साथ अफसार आलम पेमरा के चेयरमैन है और उनको मुबारक भी हो, लेकिन वो मुझे इंडिया से बड़ा एक उनका जबरदस्त बंदा है वो मुझे कह रहा है, यानी ये इसमें मीडिया में और वो साथ जी। वो कह रहा है डॉक्टर साहब ये आपके यहाँ डीटीएच जो है, मैंने कही आपको पता नहीं डीटीएच क्या होता है, ये जो डब्बा होता है छोटा सा, बाहर के मुल्कों में तो पुरानी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में जैसे 3G 4G लेट ही आती है हर चीज, तो हमारे यहाँ वो डब्बे इंट्रोड्यूस होने डायरेक्ट टू होम, यानी वो रखे होते हैं घरों में और केबल की बजाय उसमें फिर आप यानी सारे चैनल्स चेंज करके देखते हैं, तो उसकी बिडिंग होनी थी, यानी नीलामी होनी थी, 3 लाइसेंस और उसमें 8 कंपनियां या पता नहीं 9 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हो गई थी। अच्छा वो बंदा मुझे नई दिल्ली से कह रहा है कि डॉक्टर साहब आपको पता है वो तो हम लोग लेने लगे हैं आपके यहाँ हमारी पार्टी। मैंने कहा एक मिनट, पाकिस्तान के अच्छा ये आपको पता है ना अरबों रुपए के डब्बे बिकते हैं ये डीटीएच के, जो इंडिया के ये अरबों रुपया वहीं वहां जाता है इलीगल डब्बे, ये जो डीटीएच तो पाकिस्तान में डीटीएच इंट्रोड्यूस होना है, तो वो नई दिल्ली से मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब वो तो हमारी पार्टी का आई हुई बीच में। मैंने कहा एक मिनट होल्ड ऑन, तुम लोग कहां से आ गए बीच में? कहता है वो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेमरा इसकी वजाहत कर दे, क्योंकि मैं कोट कर रहा हूँ सोर्स और ये मैं वजाहत मांग रहा हूँ खबर गलत हो, क्योंकि वो बंदा जिम्मेदार है इंडिया का और वो मुझे कह रहा है, तो इसलिए पेमरा इसकी वजाहत कर दे तो बेहतर है, क्योंकि मैं इसको परेशान हो गया हूँ सुन के। वो कहता है कि जो डीटीएच है उसमें पार्टी हमारी है और वो टाटा ग्रुप है। तो मैंने कहा एक मिनट, टाटा ग्रुप? कह रहे हैं हाँ टाटा ग्रुप भी बीच में है, लेकिन एक बड़े सूबे के वजीर आला का बेटा जी हमारे टाटा ग्रुप के बंदे को इसे वादा करके गया है कि ये डीटीएच आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, जो ये मीडिया का आने वाले दिनों में ये आपको मिलेंगे, फ्रंट पे कोई और होगा लेकिन पीछे टाटा ग्रुप है। अब मैं सर पकड़ के बैठा हूँ कि कहीं ये जिंदाल ग्रुप निकलता है, कहीं वो कराची में वो स्टील मिल के पीछे कोई मिठल निकलता है, कोई अभी मीडिया का चक्कर चल रहा है तो इसमें टाटा ग्रुप आ गया बीच में, और वो कह रहे हैं कि वो टाटा ग्रुप के चक्कर में ये बिडिंग पोस्टपोन हुई है कि एक और तो मैं अब मेरी गुजारिश है कि पेमरा इसकी वजाहत कर दे, क्योंकि खबर वहां से आई वजाहत हो जाए ताकि हमें भी सुकून हो, क्योंकि वो बंदा जो है वो खुद केबल से वाबस्ता है, इंडिया में वो खुद केबल का काम करता है सारा, तो अब ये चक्करबाजी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस